अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक सिम वाला रिसीवर आया है, न्यू सेट i5000, और इसका फॉल्ट यह है कि इसका डायजिक जो है वो काम नहीं कर रहा। तो मैं आपको इसका प्रूफ यहाँ दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इस पे एक और ये एशिया सेट है मेरी, ये डायजिक पे नंबर 4 पे है और पाक सेट जो है वो 1 नंबर पे है। अब मैं इसको ट्यून करने लगा हूँ, आप देखेंगे। ये देखें, सर्चिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। ये देखें, अच्छा, इसके डेजिक का भी मसला है। और डेजिक के अलावा अगर आप यहाँ देखें तो पहले हॉरिजेंटल इसका आ रहा है, वर्टिकल का चैनल आने चाहिए था पहले। ये देखें, इसके चैनल्स जो हैं वो भी मिस हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको इसका खोल के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि ये किस वजह से हो रहा है। चैनल जो हैं वो वर्टिकल के पहले क्यों नहीं है। यहाँ पहले चैनल जो होना चाहिए वो K2 और रावी है। कभी भी आप अगर ट्यून करने लगे तो मैं वीडियो को पास करके रिसीवर को खोल के आपको इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ। जी तो फ्रेंड, रिसीवर को मैंने खोल लिया है। पहले आपको मैं इसके सप्लाई के वोल्टेज चेक कराता हूँ। ये 3.3 हो गए, ये भी 3.3 हो गए, और ये 7-8 होते हैं, और यहाँ पे ये हो गए हमारे 15 और ये 20। ये हमारे वोल्टेज ठीक हो गए। ये जो होते हैं 5 सिम को जा रहे होते हैं, ये प्रोसेसर को जा रहे होते हैं, और फ्लैश पे भी हमारे ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर खड़ा है, इस पे ठीक है। ये देखें जी फ्रेंड, अब ये हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर पे ये हो गए। इसके अलावा इसकी ये वाली पिन देखें, यहाँ पे 15-14 वोल्टेज होते हैं, जो कि यहाँ एक NPN ट्रांजिस्टर को जा रहे होते हैं, और उस पे अगर आप यहाँ देखें तो ये देखें जा रहे हैं, लेकिन उसकी आउटपुट पे अगर देखें, उसके आउटपुट पे भी इसी तरह हैं, और उसकी बेस और तीनों पॉइंट पे अगर आप यहाँ देखें तो 14-14 हैं। उसके तीनों पॉइंट पे 14-14 नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। और मैं आपको सप्लाई बंद करके मैं मीटर को डायोड रेंज पे सेट कर देता हूँ और उसको चेक कराता हूँ कि है वो कौन सा। तो ये वाला है जिस पे 2TY लिखा होता है, ये वाला। अगर मैं इसको चेक करता हूँ मीटर से तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखें ये शॉर्ट है, बिल्कुल देख रहे हैं शॉर्ट है। ये देखें जी तो फ्रेंड, मैं इसको चेंज करता हूँ, फिर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड, ये वाला PNP ट्रांजिस्टर है, सॉरी NPN, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इसको। ये देखें, तो मैं इसको लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड, मैंने ये चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। अब आपको मैं स्क्रीन की तरफ लेकर जाऊँगा और इसकी फिर सर्चिंग करेंगे, देखेंगे कि इसका मसला हल हुआ या नहीं हुआ। जी तो फ्रेंड, मैं अब इसको मैं सर्चिंग पे लगा रहा हूँ। आप यहाँ देखें तो ये देखें, अब हमारे जो सिग्नल्स हैं आप देख रहे हैं आ गए हैं, पहले ये नहीं आ रहे थे। और इसकी जगह जो हमने ट्यून किया था वो पाक सेट 38 डिग्री वाली आई थी। ये देखें, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मसला भी हल हो गया है। तो देखें, एक कंपोनेंट चेंज करने से हमारा मसला हल हो गया। आप मज़ीद इस तरह की अगर वीडियो देखना चाहते हैं और आप नए हैं और सीखना चाहते हैं रिसीवर के बारे में, LED के बारे में, तो मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।